इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ताई के नाम से विख्यात हैं। उनका जन्मदिन राजवाड़ा पर मनाया गया। इस दौरान माँ अहिल्या की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। आयोजन के दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई और लोगों ने सुमित्रा महाजन के लंबे राजनैतिक जीवन पर प्रकाश डाला। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। श्री अहिल्योत्सव समिति के द्वारा राजवाड़ा के अहिल्या प्रांगण में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान 80 दीपों को प्रज्वलित किया गया और तुलसी के पौधे समेत सकोरों का वितरण किया गया। इस मौके पर विधायक मालिनी गौड़ और आकाश विजयवर्गीय मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि ताई सुमित्रा महाजन सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। इंदौर की जनता उनके द्वारा किए कामों के लिए ऋणी रहेगी। देखिए, बहुत ही साधारण परिवार में रह के इंदौर की आठ बार सांसद रही हैं, लोकसभा अध्यक्ष रही हैं और कई सारे हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने गढ़ा है। ऐसी महान हस्ती का आज हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। निसंदेह हम लोग सब उनसे प्रेरणा लेते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो शतायु हों और उनका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। आज आदरणीय ताई जी का जन्म दिवस है। मैं उनके दीर्घायु होने की मंगल कामना करती हूँ। वे स्वस्थ रहे और सभी को आशीर्वाद देती रहे। वे हमारे इंदौर शहर की शान है, क्योंकि वे 8 बार सांसद के रूप में इस इंदौर का प्रतिनिधित्व कर रही थी और लोकसभा स्पीकर के रूप में भी उन्होंने पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया। मैं उनके जन्मदिवस पर बहुत बहुत शहर की ओर से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। सुमित्रा महाजन के जन्मदिन के मौके पर उनके बेटे मंदार महाजन ने भी अपनी माँ के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। देखिए, मैं तो उस माताई को आज भी माँ के रूप में देखता हूँ। सांसद तो जरूर रही हूँ, 8 बार सांसद रही, इंदौर की जनता का उनके ऊपर आशीर्वाद रहा, तो सांसद के रूप में तो वो इंदौर की जनता के लिए रही, लेकिन आज भी वो मेरी माँ है और मैं उनको हमेशा माँ के रूप में ही देखता आया हूँ और चाहूँगा कि आगे भी माँ के रूप में ही देखता रहूँ। बाकी उनका कार्य करने का तरीका, उनका कर्म, वो मेरे ख्याल से मुझे अलग से बयान करने की ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि ताई को मैं, वो जैसे अभी हमारी दीदी ने बोला है कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात होती है, तो वो मैं भी अगर इस तरह का कोई मतलब प्रमाण देने की कोशिश करूंगा तो वाकई में सूरज को दिया दिखाने वाली बात। तो उनका आशीर्वाद हमारे पे हमेशा बना रहे, वो दीर्घायु हो और सभी के ऊपर, केवल हम तो दोनों बेटे हैं लेकिन ये भी सब बेटे समान हैं, बेटियां समान हैं, कोई बहुएं हैं, तो सभी पे उस ममतामयी माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, बस यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। राजवाड़ा पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री अहिल्योत्सव समिति के सदस्य और बीजेपी महिला मोर्चा की नेत्रियों ने भी सुमित्रा महाजन को एक विराट व्यक्तित्व बताया। माननीय हमारी ताई जी आज 80 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं और माँ अहिल्या स्वरूपा हैं, जिन्होंने बड़ी शालीनता से इंदौर शहर में अपनी एक पहचान बनाई और पूरे देश की जो एक कुर्सी होती लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने एक टीचर के रूप में पूरे देश को संबोधित किया है, जिन्होंने देखा ताई को। और हम सब बड़े गौरवान्वित भी हैं कि ताई ने इंदौर का महिला मोर्चा खड़ा किया है और समय समय पर हमें मार्गदर्शन देकर आज हमें शालीनता का पाठ पढ़ाया है और उसी शालीनता से भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा काम करता है ताई के निर्देशों के अनुसार ही, और ताई के दिए हुए मार्गदर्शन के आधार पर इंदौर का महिला मोर्चा काम करता आया है और करता ही रहेगा। और पूरा महिला मोर्चा ताई दीर्घायु हो, सताई हो और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहे, ऐसी शुभकामनाएं हम ताई को देते हैं। आज आप देखिए कि ताई जी का जो लोग साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, आज ताई जी को लोग प्रेम करते हैं, आज वो किसी पद पे हो या नहीं हो तो भी आप देख रहे हैं कि सुबह से जो एक उत्साह का माहौल आज शहर में है और ताई जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदैव मिलता रहता है। आज भी वो कार्यक्रम में बाहर हैं, इंदौर में नहीं है, लेकिन पूरे शहर में एक माहौल है और पूरे देश से ट्विटर से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक पे निरंतर कार्यक्रम जो मैसेज चल रहे हैं, तो ताई जी के प्रति लोगों का असीम स्नेह है और ताई जी भी अपना जो स्नेह और आशीर्वाद है वैसे ही देती रहती है। स्पीकर का रूप हो, आज 8-8 बार लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद भी आज भी वो वैसे ही सामान्य रूप से अपना दैनंदिन का कार्यक्रम रखती है,
तो उनके जो आशीर्वाद है और उनका जो स्नेह उसके प्रति हम नतमस्तक हैं और उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम करते हैं। अहलियत समिति इंदौर और महानगर विकास परिषद इंदौर ने आज यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया है, लेकिन आप जैसा देख रहे हैं सब तरह के लोग यहाँ हैं और सभी चाहते हैं कि ताई जी के प्रति शुभकामना देने के लिए वो सब यहाँ उपस्थित हुए। ताई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ बर्थडे की। ताई आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हमारा महिला मोर्चे की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और ताई हमारी आई है, आई एक माँ समान हमको समझाती रहती है हर चीज के लिए। तो माँ के लिए मैं बोलूंगी, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ ताई जी, ओ ताई जी, ओ माँ, ओ माँ, ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर अपनी प्रिय ताई का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।